नमस्कार दोस्तों, अमित की रेमेडीज़ में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिस भी इंसान के नौ ग्रह मजबूत हों, उन्हें धन दौलत, घर बंगला, सुख शांति, ऐशो आराम, गाड़ी वाड़ी, हर चीज़ तुरंत मिलना शुरू हो जाता है। पर अगर किसी के नौ ग्रह में से कोई भी एक ग्रह कमज़ोर हो या फिर एक से अधिक कोई ग्रह कमज़ोर हो, तो ऐसे में इंसान को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ता है, काफ़ी समस्याएं होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि क्या क्या ऐसे उपाय हैं जो करके हम अपने ग्रह को मजबूत कर सकते हैं और धन दौलत सुख शांति घर बंगला गाड़ी वाड़ी सब कुछ हम पा सकते हैं, जिसके लिए हम तरस रहे हैं या तड़प रहे हैं, पाने की कोशिश कर रहे हैं पर मिल नहीं रही है। तो जानते हैं कि वो उपाय कौन से हैं, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो उपाय है, मैं वो आपको बताने से पहले ये बता दूं कि ये उपाय जो है वो सुनने में तो वैसे छोटे छोटे उपाय आपको लगेंगे, पर आपकी ज़िंदगी बदलने की क्षमता रखते हैं ये उपाय। बस ज़रूरत है एक बार दिल से भरोसा करके इन उपायों को करने का। तो क्या आप तैयार हैं? तो दोस्तों, सबसे पहला जो उपाय है वो जान लीजिए कि हम जीवन में ज़्यादातर असफल क्यों होते हैं, पहले ये बता दूँ। तो वो कारण है शनि ग्रह के कारण। तो अगर कुंडली में शनि कमज़ोर हो जाए, शनि परेशान करने लगे ग्रह मंडल में, तो लोगों को समस्या होने शुरू हो जाती है। तो ऐसे में शनि ग्रह को मजबूत करने के लिए एक उपाय जो बताने वाला हूँ वो ये है कि कौवे को शनिवार के दिन रोटी ज़रूर खिलाएं। किसी भी शनिवार से आप शुरू कर सकते हैं और कौवे को शनिवार के शनिवार रोटी खिलाना आप शुरू कर दीजिए और ये उपाय आप लगातार करते चलिए। आप देखिएगा, इस उपाय से शनिवार का जो ये उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, ये उपाय करने से आपकी कुंडली में शनि जो है वो मजबूत हो जाएगा, होना शुरू हो जाएगा और आपको जो है सफलता जीवन में मिलनी शुरू हो जाएगी। दोस्तों, शनि जिस भी मतलब इंसान पे अपना कृपा बरसाने लगते हैं ना, तो वो इंसान जो है वो रंग से राजा बन जाता है रातों रात, और जिस पर अपनी दृष्टि डाल दे वो इंसान राजा से रंग भी बन जाता है रातों रात, ये तो हम सभी जानते हैं। तो इसलिए अगर शनि ग्रह मजबूत हम करना चाहते हैं तो हमें ये उपाय करना होगा। कौवे को रोटी शनिवार के दिन खिलाते रहना होगा। इससे होगा क्या कि शनि ग्रह जो है वो मजबूत होनी शुरू हो जाएगी और हर वो चीज़ जो आप चाहते हैं जीवन में, जो अब तक आप तरस रहे हैं, पा नहीं सक रहे हैं, वो आप पाना शुरू करेंगे। आपको जीवन में सफलता मिलेगी, तरक्की मिलेगी, कामयाबी मिलनी शुरू हो जाएगी, आपको धन दौलत सुख शांति सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा। अब जानते हैं दूसरा उपाय। अगर आप घर में गाय पाल के रखे हैं या आपके आसपास किसी ने गाय पाल के रखा है या फिर आसपास आपके एरिया में कहीं गाय चरते हुए आप तक आती है, आपके घर से गुजरती है या फिर घूमते हुए आपके घर से गुजरती है, कहीं भी आपने अगर आसपास अपने घर के गाय देखा, तो आप क्या करें कि मंगलवार के दिन गुड़ और चना गाय को खिला दीजिए। अगर मंगलवार के दिन संभव नहीं हो सकता है, गाय आपको नहीं मिली या किसी कारण से आप नहीं कर पाए, तो शुक्रवार के दिन गुड़ और चना गाय को ज़रूर खिलाएं। इससे सारे के सारे जो नौ ग्रह हैं वो मजबूत होने शुरू हो जाते हैं। ये उपाय आपको निरंतर करते रहना होगा, ऐसा नहीं है कि एक ही दिन आपने कर दिया और आप बोलेंगे मुझे रिजल्ट चाहिए, ऐसा नहीं होता है ना। तो आपको निरंतर जो है इन उपायों को करते रहना है और आप देखिएगा कि आपको रिजल्ट जो है वो मिलना शुरू हो जाएगा। इस उपाय से क्या होता है कि आपके नौ के नौ ग्रह जो है मजबूत होने शुरू हो जाते हैं, फिर चाहे वो मंगल ग्रह हो, शनि ग्रह हो, राहु केतु बुध बृहस्पति शुक्र कोई भी हो, सारे ग्रह मजबूत होने शुरू हो जाते हैं इस उपाय से। और दोस्तों, एक बार अगर आपके नवग्रह मजबूत होने शुरू हो जाएं, मजबूत हो जाएं, तो फिर इंसान जो है जीवन में कभी असफल नहीं रहता, कामयाबी की बुलंदियां वो चढ़ता ही जाता है, ये सभी जानते हैं। तो ये उपाय आप ज़रूर आजमाएं। अब मैं आपको बताता हूँ तीसरा उपाय क्या है। तीसरा उपाय है वो ये है कि भिखारी को शुक्रवार के दिन थोड़ी सी जो है शक्कर और चावल के अंदर मिक्स करके आप शुक्रवार के दिन भिखारी को दान कर दे। पर जान या ध्यान दीजिएगा कि जो शक्कर आप उसमें मिक्स करके, यानी चावल में शक्कर मिक्स करके जो आप दान दे रहे हैं, वो भिखारी को पता ना चले, उसे दिखने में भले चावल लगे लेकिन शक्कर ना दिखे, ये आपको ध्यान देना है। या फिर आप थोड़ा सा गुड़ भी दान कर सकते हैं शुक्रवार के दिन किसी भी भिखारी को, या फिर कोई भी मीठे खाने वाली चीज़ जो होती है आप ये शुक्रवार के दिन किसी भी भिखारी को दान कर दीजिए। ऐसा आप करते रहिए, इससे होगा क्या कि आपका जो शुक्र ग्रह है वो मजबूत होगा और शुक्र ग्रह एक बार मजबूत हो जाए तो फिर धन दौलत ऐशो आराम सुख समृद्धि आपको मिलनी जो है वो शुरू हो जाएगी।
तो ये आपको जो तीन उपाय मैंने बताए, ये उपाय आप ज़रूर कीजिए। पर एक चीज़ है, इन उपायों पे भरोसा करते हुए, विश्वास करते हुए आपको निरंतर करते रहना है। आप देखिएगा, इन तीनों उपायों को करने से आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, आपको वो तमाम चीज़ें मिलनी शुरू होंगी जो अब तक आपने सिर्फ सपना देखा पर आप पा नहीं पाए। तो दोस्तों, अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अगर नए हैं तो। और अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर कुछ कहना चाहते हैं तो लिखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।